नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं वेटिकन सिटी में नहीं बल्कि दिल्ली में हूँ। हाँ, वही दिल्ली जिसे एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई साहब इतना सजा देंगे संभाले नहीं संभलेगा, 136 झीलें बन जाएंगी, कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, स्वच्छता होगी पूरी दिल्ली में, दिल्ली मतलब पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर बन जाएगा, इंदौर को पीछे छोड़ देगा। ये सब केवल और केवल अब ख्वाब की बातें रह गई, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से डूब चुकी है। अरविंद केजरीवाल के पास केवल और केवल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में चिट्ठी लिखने के अलावा और कोई चारा नहीं बट गया, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा रह नहीं गया। केवल और केवल काम करने से बचने का जो मुद्दा था वो कागज़ और कलम था। हम जैसे रिपोर्टर्स इन जगहों पे आते हैं जहाँ पे पूरी की पूरी दिल्ली डूबी रहती है और काम इनसे होता नहीं है। केवल और केवल चिट्ठी लिख करके जितने भी केंद्र सरकार की गलतियाँ निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। इनके नेता ट्विटर पे वॉर लड़ते रहेंगे कि हाँ हमारा जो घर है वो डूब चुका है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। 100 तरीके की चीज़ें। ये चाचा यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं चाचा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुरेंद्र है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? ये जमुना देखने के लिए आए हैं। जमुना थोड़ी है, जमुना का पानी तो आया गंगा जी का। अच्छा, ये गंगा जी का पानी आ गया तो यही आ गए? यही हमारी धरती माता, यही हमारी गंगा जमुना है, हिंदुओं की व्यवस्था यही है। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना यहाँ तक पहुँचा दी, खुश हैं? नहीं नहीं, हमें बड़ी दुखी की बात है, केजरीवाल जी देखने तक के लिए नहीं आए यहाँ पे। हाँ। और इतना सैलाब आ चुका। हाँ। वो अपने ऑफिस से ही बेच के वो कर रहे हैं कि जी हम तो देख लिया, हमने जो कहा वो सत्यवान थोड़ी है, वो सत्यवान हरिश्चंद्र थोड़ी, जो उन्होंने कहा वो हो जाएगा। लाखों आदमी गरीब है, पानी में मर गया, गाय डूबी हुई है सारी, ये क्यों नहीं निकाली केजरीवाल जी ने? पीछे यमुना की तरफ मैं गया, वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूरी में हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं। कोई देखने के लिए राजी नहीं, वो खाना देने के लिए राजी नहीं, कोई देखने के लिए राजी नहीं। पशु सारे अभी अंदर ही हैं, गौशाला के अंदर सारी गाय अभी अंदर ही हैं। लोहे के पुल के पास की बात आप कर रहे हैं? जी जी जनाब, जनाब जी जी, एक ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, करीब 150 गाय, लोहे के पुल जो यहाँ पे पड़ता है इस रास्ते की ओर, वहाँ पे 150 गाय, गीता कॉलोनी की तरफ एक लोहे का पुल पड़ता है, वो काफ़ी पुराना पुल है, वहाँ पे 150 गाय गौशाला के भीतर अभी तक फंसी हुई हैं, डूबी हुई हैं वो सभी की सभी गाय, लेकिन ना कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे पहुँचा है, ना किसी तरीके का वहाँ पे काम किया जा रहा है। मतलब कोई भी व्यवस्था जो होनी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा वो नहीं हो रही है। मैं चाहूँगा, वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब इधर आएंगे थोड़ा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये दिल्ली का लाल किले का इलाका है, पीछे की तरफ लाल किला पड़ता है, जो वहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आया करते थे, आज ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। आप तो ऑटो वाले हैं भाई साहब, पूरी दिल्ली घूमते हैं, पूरी दिल्ली का ये हाल है, केवल इस जगह का ये हाल है? जी पूरा दिल्ली का ये हाल है। अच्छा, तो अब काम हो पा रहा है? जी काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, हम लोग तो छुट्टी मारे हैं, पानी से डर लग रहा है, इसमें चल कहाँ पाएंगे हम? अच्छा, तो किसकी गलती देंगे इसमें? केजरीवाल को देंगे, किसको देंगे? केजरीवाल को देंगे, राज्य तो उनके अंतर्गत जी उनके ही है। वो तो कह रहे कि केंद्र सरकार को मैंने चिट्ठी भेज दिया, हो जाएगा काम, देखेंगे कल परसों तक। वो सब ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, काम कोई नहीं करता, बस ऐसे ही बोलेंगे वो। तो लोग तो कहते हैं कि ऑटो ड्राइवर्स नहीं मेन अरविंद केजरीवाल को जिताया, आप ही की बात नहीं सुन रहे हम लोग तो पहले, अब वैसा हो गया तो अब क्या करें। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम है रवि मिश्रा। रवि मिश्रा नाम है मेरा जी, मैं दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली दो अंसारी रोड दरियागंज। अच्छा, 7/5। अच्छा जी, अरविंद केजरीवाल ने इतने साल से देते हुए आ रहे टाइम। हाँ। ये हमारा जमुना जी पूरे क्लिनिक होंगे, क्लिनिक नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। हमारे आम जनता को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने जितनी बार हर जगह का पैसे आते हैं, चाहे रोड में जाए, चाहे हमारे फ्लाई ओवर के पैसे आए, चाहे हमारे जमुना जी नदी के आए, चाहे डस्टबिन के आए, चाहे शौचालय के आए, कहीं के भी पैसे आते हैं तो कोई भी पैसे ये कोई काम नहीं करते हैं, सारा पैसे ही खा जाते हैं। ओके, बाद बोलते हैं जब कोई सरकार मीटिंग होती है, कोई दफ्तर में मीटिंग होता है, आप कह रहे हैं कि सारे पैसे खा जाते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं जितने अच्छे से दिल्ली को संभाल रहा हूँ, जितने अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ, और कोई नहीं कर सकता जी। ये सब झूठ है इनका कहना। ये पहले भी बोले थे, 2020 में इनने भी बोले थे, अभी लाल किले पे आए थे, लाल किले पे हमारे ये क्या वो अरे क्या बोलते हो, भाषण दिया था। हाँ, कुछ कोई चीज़ का भाषण था। उनने बोले थे ये 2024 में पूरे दरियागंज की रोड बन जाएंगे। अच्छा। अभी तक होने वाले पाँच साल के अंदर में कोई भी रोड, दरियागंज भी डूबा हुआ है क्या? दरियागंज सर अब तो पास में है, ये 5-10 मीटर का कदम है। हाँ। अभी दरियागंज में कितना दूर है? अच्छा। यू जमुना पार, यू दरियागंज। हाँ। 10 मिनट का रास्ता नहीं है, यू सर आ सकता है। जब ये हमारे लाल किले में अटैच हो गया, ये दरियागंज मैं क्यों नहीं अटैच हो पाएगा सर? तो देखिए, शिकायत केवल यही है कि अरविंद केजरीवाल न जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां जहां बाढ़ आई है, ठीक है,
जो उनका फोर व्हीलर होता है, जो ये सारी चीज़ें चार तरीके की व्यवस्था लेके चलते हैं, वो सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं, आम जनता की जो शिकायतें। उसके बाद एक सवाल तो और बनता है कि आप 45 करोड़ के रेनोवेशन वाले घर में रहना तो पसंद करते हैं, आपके घर में स्विमिंग पूल है जिसमें एकदम नीला नीला साफ पानी है, लेकिन आपने जो वादा किया था यमुना को साफ करने का, वो आपसे वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली में लोग डूब रहे हैं, दिल्ली में लोगों का घर डूब रहा है, दिल्ली में लोगों के जानवर डूब रहे हैं, पशु डूब रहे हैं, उसके बाद जान माल का नुकसान हो रहा है, लेकिन आपकी सरकार किसी भी और ध्यान देने से बच रही है। क्या ये सभी काम ठीक है? आप देखिए, आप यहाँ पे केवल और केवल मीडिया वालों का ताता देखेंगे, आम लोगों के आने के लिए तो रास्ता ही बंद हो गया, चाहे आप आगे की तरफ जाएं या पीछे की तरफ जाएं। ये जो रास्ता था, इकलौता ऐसा रास्ता था जो उस पार जो कश्मीरी गेट वाला रास्ता है, यहाँ से ये गीता कॉलोनी को कनेक्ट करता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ पे गाड़ी आना बेहद असंभव है, गाड़ी आना बेहद असंभव है। मैं कैसे कह रहा हूँ, आप एक बारी मैं चाहूँगा कि आप आगे देखिए, जो दिल्ली पुलिस दिल्ली की आम जनता को बचाने का वादा करती है, वो उसकी खुद की गाड़ी वहाँ पर डूबी हुई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक भी आपको आदमी नहीं दिखेगा, ना कोई प्रशासनिक आदमी दिखेगा, किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये दिल्ली का वही इलाका है, एकदम पॉश इलाकों में आता है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे घूमते हैं, लेकिन इस जगह का हाल क्या है? आप अपनी आंखों से देख रहे हैं दिल्ली का कितना विकास हो रहा है, जो वादा किया गया था 136 झीलें बनाने का, उनमें से एक झील पर मैं आज आप लोगों को घुमाने के लिए ले ही आया। दोनों तरफ से, चाहे ये वाला रास्ता देखिए, ये वाला रास्ता देखिए, आगे की तरफ यमुना पड़ता है, यमुना में भी मैं गया, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की मैंने परेशानियाँ देखी, तो वहाँ पर किसी भी तरीके की कुछ खास सुविधा नहीं है, केवल चार टेंट हाउस खड़े कर दिए गए हैं, ना खाने पीने की सुविधा है, ना वहाँ के जान माल को बचाने की सुविधा है, अंदर जो गाड़ियाँ डूबी है ना उनको बचाने की सुविधा है, और सरकार की तरफ से अल्टीमेटम भी जारी नहीं किया गया था कि यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है, तो आप लोगों को हट जाना चाहिए। अचानक से रातों रात जलस्तर बढ़ता है, लोगों को अचानक से अपने अपने घरों से बच के आना पड़ता है, वो तो खुशी की बात ये है कि एक भी जान नहीं गई, लेकिन सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे कि आपका प्रशासन क्या कर रहा है, आपके प्रशासन ने कुछ अच्छा काम क्यों नहीं किया है, चाहे यमुना को लेकर के हो। यमुना नदी ही इकलौती ऐसी नदी है जो दिल्ली में बहती है, जो पूरी दिल्ली में पानी पहुँचाती है। अगले कुछ समय में कहा जा रहा है कि पानी की भी किल्लत हो सकती है, 150 गाय डूबी हुई है, न जाने कितनी कॉलोनीज डूबी हुई है, लोग अपने छतों पर रहने के लिए मजबूर है। क्या ये दिल्ली है? ये सब तो हम बिहार में सुना करते थे, ये सब तो हम उन शहरों में सुना करते थे जहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं और लोगों की वहां पे नदियां बहती हैं, लेकिन ये दिल्ली में इकलौती नदी के बीच इतना ज्यादा बाढ़, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी है। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।